आज हम लोग देखेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन जो प्लेटफॉर्म का है, प्लेटफॉर्म का रुक्मणी पब्लिकेशन जो बिहार एसएससी के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, बिहार एसएससी के लिए है, और उसको उसका हम लोग सेट थ्री आज देखेंगे। तो सेट थ्री में जितना भी जीके और जीएस का क्वेश्चन है वही हम देखेंगे, और मैथ रीजनिंग का के लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो उसको भी बाद में बनाया जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो का आज टारगेट है 1K लाइक, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हुए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम देर नहीं करके क्वेश्चन को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कितना नंबर देखना है, सेट नंबर थ्री। आज सेट वन और सेट टू हो गया है, आज हम लोग को देखना है सेट थ्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से, क्वेश्चन नंबर एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मिट्टी में नमी को बनाए रखने के लिए निम्न पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या प्रक्रिया के डैश के नाम से जाना जाता है, ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए, इसके ऑप्शन दो नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दो। औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारण सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया, मिर्जा राजा का खिताब किसको दिया गया औरंगजेब के द्वारा, तो इसका आंसर बताइए। आंसर दो का क्या हो जाएगा, दो का सी, जय सिंह और जसवंत सिंह, जय सिंह और जसवंत सिंह, इन यही दोनों औरंगजेब ने इन दोनों को क्या दिया था, पदधारक सामंतों का मिर्जा राजा का खिताब दिया था, मिर्जा राजा का खिताब दिया था, किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था, कौन दिया था, औरंगजेब ने दिया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए होंगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। और आपको यह बता दें कि यह आपका बिहार एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार एसएससी में जीके का आपका सिर्फ जीके का 75 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप यह इसको 24 सेट को आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 75 में 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको हम दावा करते हैं कि अगर आप 24 सेट कंप्लीट करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीन नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा में कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्यों को उनके स्थान लेते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा एक अस्थायी यानी परमानेंट सदन है और यह कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, कितना वर्ष होता है, 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष में इसमें से कितने सदस्य मतलब हट जाते हैं, तो 1/3, कितने सदस्य, 1/3, इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 का C, यानी कि हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य को हटा दिया जाता है और उनके स्थान पे दूसरे सदस्य लाया जाता है, ठीक है। राज्यसभा गठन कब हुआ था आप लोग बताइए, राज्यसभा गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952, राज्यसभा गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, कब हुआ था, 1952 को हुआ था। और इसकी पहली बैठक 13 मई को हुआ था, 13 मई को, कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। इसका गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 और इसका पहली बैठक 13 मई 1952 में बुलाया गया था, ठीक है। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं, ऊपरी यानी अपर सदन कहते हैं, राज्यसभा को अपर सदन कहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा का गठन जो है, राज्यसभा का गठन आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन है, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250। राज्यसभा में टोटल कितने अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं,
राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर चार हम देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभ्यास शुरू किया था? कौन जो था जो दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभ्यास, तो इनके लिए हम किसको जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही मशहूर व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम कहाँ पे आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण देश के आधिकारिक इतिहास है। किसकी इतिहास है? तो पाँच का क्या हो जाएगा? पाँच का आपका बी, शाहजहाँ। किसकी बुक है? शाहजहाँ की बुक है। चलिए अगला देखते हैं, छः नंबर कह रहा है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किए गए थे? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो 1510 में किया था। कब किए थे? 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, आपको बता दें 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया था। ठीक है, और भारत आया और अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या हुआ था? गोवा छीना था, यानी उसे आदिल शाह वहाँ पे जो राजा थे उनसे गोवा जीता था। कौन जीता था? पुर्तगाली जो गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि गोवा को पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाया। 1510 में जीता और गोवा को क्या कर लिया? अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया। ठीक है, व्यापारिक केंद्र बना लिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तिरुवरु और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार के चित्रकारी मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, भित्ति चित्रकारी। तिरुवारी और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी है? तो भित्ति चित्रकारी। ठीक है, अगला देखते हैं हम, आठ नंबर, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हो गया? ठीक है, तो कौन सा? साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए इनको 17 नवंबर 1728 ईस्वी को मृत्यु हो गई। यानी इनको क्या हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उसमें इनको लाठियों से सर पर वार किया गया, जिसके चलते क्या हो गया? घायल हो गए। और इनका 17 नवंबर लाजपत राय के 17 नवंबर 1928 को क्या हुआ? मृत्यु हो गया। ठीक है, चलिए बताइए भारत में साइमन कमीशन कब आया था? भारत में साइमन कमीशन कब आया था बताइए? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1757 में हुआ था, प्लासी नामक गांव में हुआ था। और यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। आप ध्यान रखिएगा इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। ठीक है, याद रखिएगा अरुंधति राय। 11 नंबर, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर, तो कब बने थे? 1892 में बने थे। ठीक है, आप देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कब दिया गया था, तो 1990 में दिया गया था। मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था 1992 में दिया गया था। संविधान के पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश 13 का ए स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश को यह किस में लिखे थे, हिंदी में लिखे थे। किस में लिखे थे, हिंदी में 1875 में। यह कब लिखा गया था, 1875 में, 1875 में हिंदी में लिखे थे। ठीक है, इसके बाद इसमें से कुछ तथ्य देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, गुजरात में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1824 में गुजरात में हुआ था, 1824 में गुजरात में हुआ था, गुजरात में। गुज यानी रात, आप शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको समझिएगा, 1824 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, और दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ठीक है, इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य कहाँ पे, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, 1875 में किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या कहता है, 14 नंबर है डैश में वाजिंग भुटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया था। कहाँ पर खोला गया, वाजिंग भुटिया के नाम से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में खोला गया था। ठीक है, कहाँ पे, सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में है, तो आपका हजीरा बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका रीजनिंग हो गया, इसके बाद हम देखते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन होगा आपका जीएस। आपको हम बता दें कि इसमें से सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इस सेट से हम लोग, यह सेट नंबर थ्री है, और इसमें हम सिर्फ जीके और जीएस ही देख रहे हैं, मैथ रीजनिंग नहीं देख रहे हैं। आपको फिर बता दें, और यह स्पेशल बिहार एसएससी के लिए, जितने बिहार एसएससी कैंडिडेट हैं, जो आप इसमें 75 नंबर का जीके जीएस पूछा जाने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो से लाभ उठाइए। ठीक है, 41 में कह रहा है पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। तो आप याद रखिएगा, प्रतिरोध भाग की प्रतिरोधकता उतना ही होगी, नहीं घटेगी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो स्प्रिंग क्या होगा, यदि स्प्रिंग में धारा को प्रवाहित किया जाए तो स्प्रिंग क्या होगा, तो ऑप्शन आपका 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 43 नंबर कह रहा है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एकदम आपका लेंथ से संबंधित क्वेश्चन है। 43 का क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके दूर हो गया है, यानी कि क्या किस दृष्टिदोष से प्रभावित है, तो निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है। ठीक है, तो आपको इसमें दो आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। अगर आपका निकट दृष्टि दोष हो तो उसके लिए कौन सा लेंस लगेगा, अवतल। नी हो तो अ,
नी हो तो अ निकट तो अ अवतल और दूरदृष्टि हो तो क्या होगा उत्तल। दूरदृष्टि दूर तो हो उत्तल ठीक है। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का अवतल लेंस का और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं ठीक है। एक और बात जान लीजिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देता है यानी जो दृष्टि दोष होता है वहाँ के वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है ठीक है। लेफ्टोमीटर है हाइड्रोमीटर है हवाई जहाज़ के पंखा के डिजाइन यह आपका नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 के बी हो जाएगा समझे। अगला देखते हैं आप लोग देखिए इसको वीडियो को अगर आप सिर्फ देख रहे थे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए और सेट वाइज बनाते चलिए और आप हमको इसको आंसर बताइए और स्कोर कमेंट में बताइएगा। स्कोर आप कितना आपका आंसर सही हो रहा है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा ठीक है। तब जाके आपका मतलब प्रोग्रेस होगा। 45वां क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल है। 45 के आंसर बताइए। 45 के आंसर क्या हो जाएगा आपका सी द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो बिंदुओं के पिन के बीच होता है ठीक है। आप बड़का गुरुत्वाकर्षण बड़ा जी बराबर क्या होता है बड़ा जी बराबर यानी कि ए बराबर एम इंटू एम वन इंटू एम टू बटा आर स्क्वायर। एम वन इंटू यानी कि द्रव्यमान पे रखना होता है द्रव्यमान पे निर्भर करेगा तो द्रव्यमान वाला आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं ठीक है और दूर दृष्टि दोष को हाइट्रोमेट्रोपिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों। बहुत अच्छा क्वेश्चन 47 क्या हो जाएगा ए बड़ी तरंग धैर्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है ठीक है। बड़ी तरंग धैर्य का प्रकाश क्या होता है कम प्रकीर्णन होता है जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसे दिखाई देता है लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 48 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है प्रकाश का इंद्रधनुष का निर्माण तारों का टिमटिमाना आँख मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण होना अस्त होने पर सूर्य का रंग लाल हो जाना है। इसमें कौन सा प्रकाश का अपवर्तन नहीं है तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल हो जाना है तो ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है प्रकाश का प्रकीर्णन का प्रभाव है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा ठीक है। यहाँ देखिए 49 ध्वनि की गति वी और माध्यम की घनत्व पी के मध्य रिश्ता बताइए ठीक है। 49 हो जाएगा वी समानुपाती 1/p हो जाएगा ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 हो गया और 25 क्वेश्चन है तो इसको हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 2, 8, 13, 1 है किसका है तो आप इसमें अगर आपको परमाणु संख्या याद होगा तब बना सकते हैं। 2, 8, 10, 10, 10 और 14 कितना होगा 10, 14, 34 10 और 14, 24 24 किसका होता है बताइए क्रोमियम का होता है। 50 का ए क्रोमियम का 24 होता है इसको जोड़कर और जो आएगा वो आपका परमाणु संख्या हो जाएगा। 51 का आंसर बताइए आप लोग। 51 कह रहा है डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में ही जाने वाले स्थानांतरित किसी का एक रूप है कौन है। 51 का बताइए 51 का आपका हो जाएगा झूमिंग है एक उत्तर भारत का एक झूमिंग खेती है खेती करने का तरीका है झूमिंग। 52 क्या कह रहा है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। 52 बताइए धूपगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है तब धूपगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है मध्य प्रदेश में तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 53 काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है नालंदा नवादा रोहतास मुंगेर आंसर बताइए
53 को हो जाएगा आपका नवादा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, रेणु, ऑप्शन नंबर सी फणीश्वरनाथ रेणु, बहुत अच्छा आपका साहित्यकार थे। अब देखिए अगला 55 नंबर, बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए में है मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखते हैं, 56, बिहार विभूति के उपनाम से किसको जानते हैं, तो अनुग्रह नारायण सिंह, किसको जानते हैं आप एकदम जानते होंगे, बिहार वाले जो होंगे तो जानते ही होंगे, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आप बिहार से बिलोंग करते हैं तब बताइए अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था और किस जिले में हुआ था, आप इसको कमेंट जरूर कीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 57 है, एशिया देश लेबनान की राजधानी कहाँ है, बहुत अच्छा, एशिया देश लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, मराठों और अफगानों के शासन के शासक अहमद शाह दुर्गानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ी गई थी, किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1761 में, कब लड़ा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, किसके बीच, मराठों और अब्दुल शाह अहमद शाह अब्दाली के बीच, पानीपत के तीन युद्ध हुआ था, पहला 1526 में हुआ था, 1526, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था, पहला पानीपत 1526 में, दूसरा पानीपत की 1556 में, तीसरा पानीपत खुद 1561 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 59 का कह रहा है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, 59 नंबर बताइए, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, तो 59 नंबर आपका 1956 में बना, कब बना, 1956, 59 के ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए 60 क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, बताइए, कल भी बद मिला से क्वेश्चन इसे आपको हम सॉल्व किए थे, तो सबसे जनसंख्या घनत्व कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह के नाम रखा गया, वाह क्या बात है, तो आपको बता दें हम ऑप्शन नंबर सी कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से इसको जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में किसने किया था, तो एकदम आपको पता होगा, सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। ठीक है, 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से आपका 300 का ए, संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया, इसको अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। चलिए अगला है 64 नंबर, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, मिश्रित कृषि के मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, मिश्रित कृषि में, इसको और थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, मिश्रित कृषि में मुख्य विशेषता क्या है, इसका हो जाएगा पशुओं का पालन और फसल की खेती एक साथ, देखिए पशु भी पालेंगे और खेती भी करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। ठीक है, और इसमें 10 क्वेश्चन बच गया है, उसको हम बहुत जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 65 नंबर, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है, ओपेक का सदस्य नहीं है, तो ओपेक का सदस्य कौन नहीं है, आपका केन्या नहीं है, ओपेक का सदस्य कौन नहीं है, केन्या नहीं है, बताइए, ओपेक जो है, देखिए पेट्रोलियम उत्पादक देश है, ठीक है, इसमें 13 देश का संगठन है, इसमें टोटल कितने देश है, 13 देश का एक संगठन है, और ओपेक यानी तेल से संबंधित है, ठीक है, तेल से संबंधित है। अगला हम देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आप गलत इसका चुनिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें देखिए आपका डी हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच नहीं, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया, ठीक है, यही आपका सही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन आंसर नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं, लिखित में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं, तब बताइए, संपदा को शुल्क, सीमा शुल्क, 67 के बताइए, तब को बता दें, वृत्ति कर और
स्टाम्प शुल्क, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क जो होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा वसूली नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन और 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है, और बताइए इसका कौन सा हो जाएगा पूर्वी घाट में, तो महेंद्रगिरी, कौन सा है, महेंद्रगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन और 5-6 क्वेश्चन है। 69, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, बहुत अच्छा, 69 का संयुक्त बैठक कौन, किस आर्टिकल में, 108, और इसका संसद के संयुक्त बैठक कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 108 में है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में कौन स्थित है, एंडीज पर्वत, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, एंडीज पर्वत हो जाएगा, 70 के सी एंडीज पर्वत हो जाएगा। 71 नंबर, आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा गया है, किस बैंकों को कहा गया है, तो किस बैंकों को, तो दूसरी अनुसूची के अनुसार इनका कहा गया वाणिज्य बैंक कहा गया है। 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न तो इनको नहीं मिला है, शिखर धवन को नहीं मिला है, विराट कोहली को मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है, MS धोनी को मिला है, ठीक है, और शिखर धवन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 73 नंबर, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है, किस पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। 73, तो किस पर नहीं लगा सकता है, मुखिया और उपमुखिया, आपका ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों हो जाएगा, मुखिया और उपमुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बिहार SSC में आपको हम बता दें कि आपका बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप स्पेशल बिहार के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी चैनल पर आपको हम बता दें कि डेली साइंस का भी क्विज चलता है, आज हम कराए हैं 50 क्वेश्चन, डेली 50 क्वेश्चन चलता है, और बिहार SSC, क्योंकि आपका बिहार SSC में साइंस का वेटेज 30 नंबर रहेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंस का भी डिस्कशन चल रहा है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम 74 नंबर, नगरपालिका के अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, बहुत अच्छा बताइए, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा, 243 के पी से ZG तक आपका नगरपालिका का अभिप्राय है, ठीक है, 243। चलिए 75 नंबर, बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था, कितना नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 आपका 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब आज़ाद हुआ था, 1971 में आज़ाद हुआ था, अलग एक राज्य देश बना था 1971 में बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघर नदी की सहायक नदी है, घाघर नदी की सहायक नदी कौन है, राप्ती नदी घाघर नदी की सहायक नदी है, राप्ती नदी घाघर की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 75वां क्वेश्चन, अशोक रुद्र और SS माने मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है कौन कौन है, 77 का आंसर हो जाएगा आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना, कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना इस पर आधारित है, ठीक है। अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, 78 क्या कह रहा है, 78 आपका है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण सही है, ये भी था, शरणार्थियों का पुनर्निवास ये भी सही है, खदानों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त होना ये भी आपका सही, यानी कि ABC यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। इस यही पंचवर्षीय प्रथम पहली पंचवर्षीय योजना का सब उद्देश्य था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हो गया
89 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली 42वां भारतीय स्थल कौन है, 42वां भारतीय स्थल कौन है, तो होयसल के मंदिर, होयसल के मंदिर कौन है, होयसल के मंदिर शामिल हुआ है, ठीक है, 42वां आपका होयसल के मंदिर है, ठीक है। और होयसल का मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगला देखिए 80 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो किसे दिएगा, ब्रेंड फ्रेजर को, ब्रेंडर फ्रेजर को दिया गया, ब्रेंडर फ्रेजर को दिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, 81 भारत को पहली क्षेत्रीय A1 न्यूज एंकर लीसा को कहाँ पे लॉन्च किया गया, लीसा को कहाँ पे लंच किया गया है, तो उड़ीसा में लंच किया गया है, कहाँ पे लंच किया गया है, उड़ीसा में लंच किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन, 82 क्या कह रहा है, 82 क्वेश्चन है, किस राज्य, 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसको ध्यान से, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है, लाडली बहन योजना कहाँ पे, तो लाडली आपके मामा का नगरी मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ये 83 नंबर, 83 के क्वेश्चन पढ़िए, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 के थीम विषय क्या है, बताइए 83 नंबर, 83 के 111वां स्थापना दिवस बिहार दिवस का थीम क्या है, वायु शक्ति बिहार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यही आपका थीम है, ठीक है। 2023 का थीम, बिहार दिवस का थीम क्या है, युवा शक्ति बिहार प्रगति, यही थीम आपका 2023 का। 84 भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके मामले में मनाया जाता है, भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में, किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो किसके सम्मान में, विधान चंद्र राय, किसके सम्मान में, विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है, चिकित्सक दिवस। 85 नंबर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, राष्ट्रमंडल में भारत ने टोटल कितने स्वर्ण जीते था, तो कितने, 22 स्वर्ण जीते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 आपका मैथ से है, तो हमको लगता है कि हम लोग जीके कर लिए कंप्लीट, जीके अब नहीं है, जीके अब नहीं है, है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, और 2-3 क्वेश्चन इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, साइंस के क्वेश्चन है कुछ 101। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी होती है, हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी होती है, तो किसके, आप इसको याद रखिएगा, इसको ई थोड़ा सा कर लेते हैं, किसके बीच होती है, ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में, 101 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, ऑप्शन है बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाकर, बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दबाव बढ़ाकर, नहीं दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी नहीं बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर 2 नंबर है, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, यही आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, ये भी सही हो जाएगा। 2 नंबर पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र अधिक हाइड्रोजन, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3, तो 2 और 3 किस में है, सी है, तो 101 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 102 पढ़िए क्या कह रहा है, 102 कह रहा है भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, तो भारी जल का नामकरण का आधार, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूट्रियम का प्रयोग किया जाता है, यही आपका भारी जल का, यही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 103 यहाँ पे देख लीजिए, अपचयन और उपचयन से संबंधित 103 अभिक्रिया Fe+ हो जाएगा, निमीकरण क्या हो जाएगा, तो 103 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों मूल रूप
दोनों अम्लीय मूलतः ही रहेंगे, ठीक है। यही देखिए, अब इसका हम आगे देख लेते हैं। 103, 104, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह क्वेश्चन हम साइंस में भी आज कराए थे, इस क्वेश्चन का आंसर हम साइंस में भी कराए थे। देखिए, तरल, गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस और द्रव दोनों। देखिए, पहला कह रहा है केवल गैस नहीं होगा, गैस और ठोस तरल के व्यवहार नहीं करता है। एक और दो गलती, तीन बार केवल ठोस, और ठोस जो होता है तरल के तरह व्यवहार नहीं करता है। तो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी, सिर्फ सी हो जाएगा। गैस और ठोस तरल के व्यवहार के जैसे काम करते हैं, तो इसका आंसर नंबर सी सही होगा। 105 देखिए क्या कह रहे हैं। सी डबल ओ एच निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? 105 नंबर क्वेश्चन। तो 105 क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सी डबल ओ एच हो गया तो अम्ल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। एक डायमंड जो होता है प्रत्येक कार्बन परमाणु, तो क्या डायमंड जो होता है चतुष्फलकीय होते हैं, तो 4 अन्य कार्बन परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, ठीक है। 7 का आंसर बताइए। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न कौन सा गैस निकलता है? मूत्रालय से बताइए। 107 का क्वेश्चन, कौन निकलता है? तो आपको पता है कि अमोनिया निकलता है। मूत्र से कौन सा गैस निकलता है? अमोनिया निकलता है। 108 का बताइए। एक कार्बनिक क्रेडिट में डैश शामिल होता है, एक कार्बनिक क्रेडिट में क्या शामिल होता है? तो 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 109। लयन काल की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल प्राइज़ दिया गया था? डूबे को किस वर्ष नोबेल प्राइज़ दिया गया था? 1974 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 और एक या दो क्वेश्चन होगा। सलेस्मा झिली में सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ठीक है। 11 नंबर, पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्या रहे हैं। 12 नंबर, क्षय रोग किसके कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण से होता है, ठीक है। अगला देखिए, रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार है। रक्त एक क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक का प्रकार है। 114 नंबर देख लीजिए। 114 का अगर है, स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में डैश होते हैं। स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? आपका पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन होता है, ठीक है। 15 नंबर, अस्तित्व के आधार द्रव ओसिन में कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं? 62% कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसके बाद नहीं है, इसके बाद आपका मैथ है, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो ख़त्म हुआ। आज का सेट थ्री हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेट थ्री में जितना तक क्वेश्चन, तो आपको हम बता दें कि यह आपका इसमें से जो रुक्मणी पब्लिकेशन इसको देख लीजिए। यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी से निकला है वॉल्यूम 1 वही है, ठीक है। इसमें टोटल कितने सेट है? तो इसमें टोटल 24 सेट है, ठीक है। 24 सेट में से आज हम लोग कौन सा नंबर, आज हम तीसरा नंबर कम्प्लीट कर लिए। आज हम लोग कौन सा देखें, आज हम लोग तीसरा नंबर सेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। टोटल 3 सेट हो गया और 21 सेट है। ऐसे ही लगातार हम डेली करके ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगले दिन मिलते हैं चौथे सेट के साथ।